तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रॉक रिटेंटिच में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कमाल की ऐप के बारे में बताएंगे, जिस ऐप के माध्यम से आप अपने कीबोर्ड में फ़ोटो लगा सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो उस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या फिर आप ऐप का आइकन देख सकते हैं कुछ इस तरह का। इसका नाम है गूगल इंडिक कीबोर्ड। तो दोस्तों इसको डाउनलोड कर सिंपली ओपन करना है। देखिए हम ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सेलेक्ट इनपुट मेथड पे हमें क्लिक करना है, फिर यहाँ इंडिक कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे चूज कर लेना। देखिए यहाँ इंडिक कीबोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ इस पे हम चूज कर लेते हैं। फिर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और फिर देखिए दोस्तों यहाँ कीबोर्ड लिखा हुआ है, इस पे टच करना है अपने कीबोर्ड में फ़ोटो लगाने के लिए। और फिर देख सकते हैं दोस्तों आप साउंड में की में साउंड भी दे सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको फ़ोटो लगाना है तो यहाँ थीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए हमने थीम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया, और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ माई इमेज लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना है। और देखिए हम फिर हमें यहाँ गैलरी चूज कर लेना है। हमने गैलरी चूज कर लिया, और फिर देखिए मैं एक फ़ोटो लेके दिखा देता हूँ। जैसे मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ अभी। देखिए दोस्तों आप इसको आप सेट कर ले जैसा रखना चाहते हैं, और फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, और फिर दोस्तों डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखते आप ब्राइटनेस भी फुल कर सकते हैं। देखिए मैं इतना ब्राइटनेस रख लेता हूँ। आप डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और देखिए दोस्तों हमारा कीबोर्ड सेट हो गया है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों मैं अपना कॉन्टेक्ट ओपन कर लेता हूँ, यहीं पर आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों हमारा कीबोर्ड में फ़ोटो लग गया। आप कहीं भी यूज करोगे तो कीबोर्ड में आपका फ़ोटो लगा रहेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगे कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।